हाँ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई, उस पर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री पॉइंट लाइक करते हैं। हाँ ठीक है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है तो क्या होगा, कोलिनियर रहेंगे, स्लोप स्लोप सेम होगा। सेम। यस सर। ये स्लोप सेम हो गया। अभी इन दोनों को माइनस कर दो, दोनों इक्वेशन को, क्या आ रहा है बताओ। ए एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस बी वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, बोलो क्लियर है। यस सर। एक्स वन माइनस एक्स टू, तो वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू कितना आ गया, माइनस ए बाई बी आ गया, क्लियर है यस सर। ना। हाँ ये अच्छा था, दो लोग एक साथ बोले, ये एनर्जी चाहिए ना क्लास में। ठीक है अभी कुछ होगा। हाँ सर। क्या होगा, इसको इससे इक्वेट कर दूं मैं अगर, तो क्या आ गया बताओ। ये भी तो इसके बराबर यही लिखा हुआ है ना, समझे। तो क्या आ गया बताइए, वाई थ्री माइनस वाई टू बाई एक्स थ्री माइनस एक्स टू इज इक्वल टू माइनस, ए बाई बी ठीक है। तो कितना आ गया बताओ, सर, बी ए बाई बी इंटू आएगा ना क्या बेटा, सर, ए बाई बी आएगा ना। नहीं बेटा सही किया है ना, यहां पर वाई वन माइनस वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू, यहां पे वाई टू यहां पर एक्स टू है, सेम चीज लिखा है ना। हाँ समझा सर, समझा। बी वाई थ्री माइनस वाई टू प्लस ए इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, बोलो क्लियर है। यस सर। यस सर। तो अभी इससे क्या आ गया, देखो बी वाई थ्री प्लस ए एक्स थ्री इज इक्वल टू बी वाई टू प्लस ए एक्स टू, इतना क्लियर है क्या। हाँ सर। हाँ सर। तो इससे क्या मालूम चला, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, ए एक्स टू बी प्लस बाई बी टू वाई टू प्लस तो ए है ना, एक्स टू वो तो एम है, इसका मतलब इसका ही वैल्यू कितना आ गया, एम। एम आ गया। अब इसको एलपीपी से रिलेट करो, एलपीपी से रिलेट कर सकते हो, पहले कॉपी करो फिर मैं लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट। सर 3 पॉइंट पे एम आया है। सर मतलब मैक्सिमा 3 पॉइंट पे। अगर 2 पॉइंट पे आ गया, अगर 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू है तो उस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे उन सब पे सेम वैल्यू रहेगी, मिनिमा या मैक्सिमा, ये क्लियर है क्या। यस सर। हाँ ठीक है जरा कॉपी करो, तो मैं जरा तुम्हें भूल गए थे कि मेरी भी क्लास होती है। सर मैथ्स का शीट कब आने वाला है, मैथ्स का शीट हम लोग को मिला ही नहीं, कल बुलाया था तो। सिर्फ सेंटर पे कौन कौन सीट दिया गया अभी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ही दे, वो भी दो दो सर, मैथ्स का तो एक भी नहीं दिया। अभी आया नहीं है क्या मैथ्स, सर को मैं फोन करता हूँ। नहीं सर, हम लोग को दिया है मैथ्स का। हाँ सर, लोगों को मैथ्स का दिया है। ऐसा कैसे हो ग्रुप, तो संजय सर को पूछा तुमने, सर कौन से ब्रांच के हो, मतलब विरार के कि कौन किधर के, तुम कहाँ के हो। मैं विरार का। सब विरार के हैं यहाँ पे। हाँ विरार के। मेरे पापा कल ही लेने गए थे तो मेरे पापा को मतलब यही मिला सर, केमिस्ट्री और फिजिक्स ही मिला। तो मैं फोन करे पूछ सेंटर पर संजय जी को। हाँ सर।
चलेगा। सर शायद से एडवांस वाला कोई मैथ्स का मिला होगा, मैं मेंस वाला हूँ। मैं पूछता हूँ, डन सर। कॉपी कर लिए? मैं एक्चुअली टाइम टेबल देख रहा था कि कल कहीं पर लेक्चर हो सकता है क्या, तो एक दिख तो रहा है स्लॉट। ठीक है, तो कल मैं एक लेक्चर लेने का ट्राई करूंगा। ऐसे क्या हो रहा है ना, आप लोग भूल जा रहे हो कि मेरा भी मैथ्स चल रहा है। रब करें। ठीक है, आपने किसी ने पूछा ही नहीं सिक्स वाला क्वेश्चन डाउट। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। तो एलपीपी में क्या है, हमको क्या सीखा अपन ने, इफ ए एक्स प्लस बी वाई, इफ मैं लिख रहा हूं तमीज से, इफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए एक्स प्लस बी वाई अटेन्स मैक्स और मिन एट टू पॉइंट्स से एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, देन कंप्लीट कर सेंटेंस, देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ax plus by will be max or min at other point, max will attain, come on, same max m or min, हाँ बोलो, at all points lying on लाइन AB। ये क्लियर है? यस सर। इतना क्लियर है क्या? यस सर। रब करें एक मिनट। मतलब आप समझ गए ना क्या कह रहा हूं, कि अगर मान लो आपका रीजन ऐसा है, ठीक है, और लेट से आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रीजन ऐसा आया है, ठीक है, और मान लो आपका यहां पर और यहां पर दोनों पॉइंट पे मैक्सिमा आ गया, ठीक है, तो हमने क्या सीखा, तो बताओ हमने क्या सीखा, हर पॉइंट पे मैक्स इस वाले लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पे वही वैल्यू रहेगी। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बाबा, पिछले में मैंने यही प्रूफ किया ना कि lx1 plus my1 1, lx2 plus my2 1, lx3 plus my3 1, lx plus my, और अगर ax plus by ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे और x2 y2 पे सेम आ रही है, तो अब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट डालोगे तो वैल्यू जो रहेगी कैसी रहेगी, वही वैल्यू अटेन होगी। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सबको ये बात क्लियर है कि भूल जाओगे सुबह रात तक? ध्यान रहेगा? हाँ सर। ठीक है सर। और मुझे आप जो ग्रुप बनाया है वो आई थोड़ा बनाया है टाइम पास के लिए,
एक बच्चे का कोई डाउट नहीं आता है, सब कुछ कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। या तो मैं ऐसा कर दूं क्या कि ग्रुप पे ही कि आज आपको डीपीपी नंबर ये डिस्कस करना है तो लोग पूछते रहेंगे, ऐसा कर दे क्या ताकि आपको भी एक टारगेट मिल जाएगा, ऐसा कर दे सर? ऐसा कर दे। हाँ सर। चलो यही कर देते हैं, कल से ना भी बना देते हैं रूटीन, ठीक है, कि आपका आज का होमवर्क ये है और आप डाउट जो है रात को 11 से 12 में पूछ लो, मतलब ऐसा मतलब जब भी पूछ लो मैं कंफर्म आंसर 11 से 12 में कर दूंगा। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन डाल रहा था ना वो डीपीपी से ही फोटो घिंच घिंच के डाल रहा था, लेकिन आप लोग उतने एंथुजियास्टिकली कर नहीं रहे हो उसको, रब करे इसको। यस सर। यस सर। आशीष हमको लगा था तुम बहुत करोगे, तुम किए ही नहीं एक भी, एक दो दिन शुरू में जोश दिखाया फिर चुप रह गए, रब करे इसको। अरे बोलो भाई, रब करूं? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चंस करते हैं थोड़े एलपीपी में, वर्ड प्रॉब्लम्स हमें नहीं किए थे, क्वेश्चन लिखो, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो पहले। अ डायटिशियन एक मिनट रुक जाओ, रुकने का अच्छा तरीका आया। अच्छा मैं यहां से वहां भेजूंगा कैसे, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अ डायटिशियन विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 8 units of vitamin A. Sir, vitamin and contents है ना वो? हाँ, vitamin contents. And डायटिशियन, एक मिनट रुकी जाए, बहुत लंबा लिखना पड़ जाएगा, एक सेकंड होल्ड करो, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, मुझे क्या, दो मिनट में सोच लो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से फोटो उसमें भेजना है, ठीक है, आपको मुझे जूम शेयरिंग करनी होगी, ठीक है, आपके ग्रुप पे मैंने एनसीईआरटी डाला था, डाला था तो एनसीईआरटी का आपने होमवर्क कर लिया ना भाई, तब फिर भी कहीं से जुगाड़ के एनसीईआरटी। अरे हेलो। हाँ सर। सर फिर मैंने एनसीईआरटी खरीद लिया। एनसीईआरटी तो ऑनलाइन मिलती है ना, चलो मैं तो किस ग्रुप पे एनसीईआरटी अवेलेबल है क्लास 12th की? ओह ठीक है, मैं फोटो भी खींच लेता हूं, अपना फोन मांग लेता हूं, दो मिनट समय दो यार, ठीक है, वो कितना मैं लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये मैंने फोटो खींचा, ठीक है, और अभी इसको मुझे करना पड़ेगा शेयरिंग, ठीक है, जाएगा। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन?
यस सर यस सर क्वेश्चन दिख रहा है हाँ चलो यस सर पढ़ो आराम से हाँ बोलो क्या हो बेटा हेलो हेलो सर आ रही है आवाज सर आपकी आवाज आ रही है अच्छा आप लोग को स्क्रीन दिख रहा नहीं दिख रहा है दिख रहा है सर दिख रहा है चलो सॉल्व करो पहले इसका वो कर मैं आप दो मिनट करो मैं और खोज रहा हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन कॉपी कर लिए हेलो सर दो मिनट बस हाँ सर कर लिया सर क्वेश्चन नहीं लिख इतना बड़ा है वो देख के नहीं नहीं क्वेश्चन लिखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन लिखना पड़ेगा दोस्त क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा दोस्त हाँ भाई कॉपी कर लिए क्वेश्चन यस यस सर सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया यस सर आप लोग को अभी बोर्ड दिख रहा है कि बोर्ड नहीं दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है सर दिख रहा है सर बोर्ड मतलब पूरे बड़े में दिख रहा है कि बोर्ड छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया मुझे पता नहीं चल रहा कैसे दिख रहा है बोर्ड बताया जरा सर हम लोग के पास ऑप्शन है हम आपको क्वेश्चन छोटा करके आपको बड़ा कर सकते हैं अरे क्या बात है मतलब मैं बोर्ड दिख रहा है मेरा पक्का अभी पूरा बहुत अच्छा है चलो तो अब ये क्वेश्चन समझते हैं ठीक है मतलब ये डाइटिशियन जो है वो दो टाइप के फूड को मिक्स कर रही है ठीक है सच दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट विटामिन ए 10 है और 10 यूनिट विटामिन सी का है ठीक है तो इस क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा फिर फूड वन में 2 kg है और 1 kg है फूड टू में 1 kg है 2 kg है 50 kg तुम्हारा
फूड वन को 50-100 kg, 70 rupees per kg फूड टू को, ठीक है। तो इसको मतलब कैसे, पहला स्टेप क्या लिखे बताओ, पहले इस क्वेश्चन के डाटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। लेट्स अरेंज डाटा, फूड वन टेबल बनाना पड़ेगा ना सर, फूड टू, ठीक है, फूड वन और फूड टू किया यहाँ पे, फिर इसमें विटामिन ए और विटामिन सी है ना, कितना है विटामिन ए, 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, ये बात चमकती है। हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन एक और चीज कह रहा है कि विटामिन ए कितना होना चाहिए, 8, और विटामिन सी कितना होना चाहिए, यहां तक क्लियर, यही क्वेश्चन है अपना एग्जैक्ट, ठीक है। तो अभी अच्छा मैंने पैसा तो लिखा ही नहीं, पैसा कितना था, 50 था ना, इसका 70, ठीक है। तो हाउ डू वी फॉर्मुलेट दिस क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या लिखेंगे क्वेश्चन, एलपीपी में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला स्टेप वेरिएबल मानना, बताओ पहला वेरिएबल क्या माने, हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन, बोलो सर, वेट, वेट इसका एक्स केजी और इसका वाई केजी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक्स मान लिया वाई मान लिया, अपना प्रॉफिट फंक्शन जो भी है वो क्या होगा बताओ, हम लोग कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, 50x plus 70, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। मुझे बताओ कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, सर 2x plus y greater than equal to 8, फिर x plus 2y greater than, ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराए थे कि नहीं कराए थे, व्हाट प्रॉब्लम्स, नहीं कराए थे सर, नहीं कराए, ठीक है। और क्या आएगा बताओ, x पॉजिटिव y पॉजिटिव है ना, यहां तक क्लियर है, यस सर। ठीक है, और 12.1 में लास्ट में दो तीन क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, 8, 9, 10, आई होप कर लियो आप लोग समझ के। एनीवेज अभी सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर, आंसर बताओ आपको इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं ना, यस सर, सॉल्व करके हमको आंसर बताइए कितना आ रहा है मिनिमम, सर कल कितने बजे क्लास करोगे, वो मैं संजय सर से पूछ रहा हूँ, कब आप लोग खाली कैसे, आप लोग कल क्लास कैसे, कितने बजे है, कल हमारा 7:30 और 2:30 का,
साढ़े सात में है आपका? इसका आंसर बताइए, बाकी टाइम मैं देख लूंगा। ठीक है, फिर परसों ले लेंगे। भाई इतने देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। सर ₹380। परफेक्ट, सही है आंसर, ₹380। तो भाई कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है बताओ, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है? 0.8, 2.4, 10.0। और प्रॉफिट फंक्शन क्या है? 0.8 का 560 380। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। भाई क्लियर है सभी को? हाँ सर। चलो ठीक है, कॉपी करो। मैंने कुछ अभी तो जूम में कॉपी किया, वो कहाँ गया? बड़ी समस्या है यार। बड़ी प्रॉब्लम, जूम में कॉपी भी हो गया, कहाँ चला गया पता नहीं। ये सबने कॉपी कर लिया? हाँ सर। अभी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो सॉल्व करो। नोट्स में क्वेश्चंस कॉपी करते रहिएगा। अभी तो आपको बोर्ड नहीं दिख रहा होगा? हाँ सर, नहीं दिख रहा। सर आपका कैमरा भी ऑफ है ना? नहीं, कैमरा ऑफ नहीं है, मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग से आपको ये दिखा। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं सीधा ही फोटो को डाल पाया था, अभी मैं कॉपी किया तो जूम पता नहीं गया नहीं हो, इसलिए मैंने ऐसे किया। क्वेश्चन कॉपी करो, कॉपी करते हुए समझते रहो, फिर बताओ प्रॉफिट फंक्शन क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है।
पहले तीनों क्वेश्चन कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए क्वेश्चन? नहीं सर। फटाफट क्वेश्चन कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? नहीं सर। अरे भाई अभी तो कॉपी नहीं की क्या? क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हैं यार। हेलो, हो गया सर? भाई कॉपी हो गया ना क्वेश्चन? यस सर। सेकंड क्वेश्चन कॉपी करो सर। सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, क्वेश्चन कॉपी करो क्योंकि सेम एक्सरसाइज से नहीं है, कोई किसी एक्सरसाइज से, कोई किसी एक्सरसाइज से। प्लीज कॉपी कर लो क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत करने में क्या दिक्कत है बताओ? जल्दी कॉपी करके बताओ मुझे। कॉपी कर लिए?
नहीं सर। कॉपी कर लिए। हेलो अरे भाई हेलो कॉपी हो गया सर एक मिनट। यस सर। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। ये कॉपी करो। कॉपी कर लिया? नहीं सर।
हाँ भाई कॉपी हो गया, एक मिनट सर। डन सर। डन सर। हेलो आवाज आ रही है क्या? यस सर। भूल से कौन आ रहा है? मैं तो हूँ, फिर ये वापस से क्यों आ रहा है? हाँ तो आपने तीनों क्वेश्चन कॉपी कर लिया ना, फाइनल नहीं किया अभी तक? कर लिया सर। उस दिन तो आप लोग सुबह वाली क्लास काफी बोल रही थी, आज क्या सब बच्चे डिफरेंट हो गए क्या? आज कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कॉपी कर ली सब लोग? यस सर। सॉल्व करो चलो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कौन सा है? सर वो एमएन वाला। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। सर प्रॉफिट वाला है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट हो गए, क्वेश्चन रीड तो कर। अ मैन्युफैक्चरर हैज थ्री मशीन्स, वो वाला। हाँ चलो सॉल्व करो। मुझे बताओ प्रॉफिट फंक्शन क्या है, कंस्टेंट्स क्या है? ठीक है चलो।
सर प्रॉफिट फंक्शन 600x प्लस 400y होगा, प्रॉफिट फंक्शन 600x ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस 400y। हाँ कंस्ट्रेंट्स बताओ सर, x 3x प्लस 3y ग्रेटर देन लेस देन 12, 3x प्लस 3y नहीं सर, x प्लस 2y लेस देन ग्रेटर देन 12 less than 12, ये किस मशीन पे कंस्टेंट है? फर्स्ट वाले सर। ठीक है फिर सर 2x plus y less than 12, हाँ सेकंड मशीन, हाँ फिर थर्ड का निकल रहा है x plus 1.25y is greater than equal to 5, और कंस्टेंट्स क्या आएंगे सर? equal to 5 और कंस्टेंट्स क्या आएंगे यहाँ पे सर? x greater than 0, y greater than 0। सर वो 1.25 को सर पाई अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली, चलो सॉल्व करो, आंसर निकालो। किसी को डाउट है इसमें बोलो, करना है तो सर। वो 1.25 वाला इक्वेशन कैसे आया है वो बताओ ना। देख मुझे बता, तू ये बता मुझे पहला वाला कैसे आया, ये वाला बता सर। अगर फर्स्ट वाले को x लेंगे और सेकंड वाले को y लेंगे, सेकंड वाले मशीन के वर्क डन हो तो फिर वो 12 आवर्स तक चलेगा या उससे ज्यादा भी चलेगा? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, x और y क्या ले रहा है ये बताओ सर। फर्स्ट मशीन के जो आर से उसको एक्स लेंगे और सेकंड, नहीं 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 वो से नहीं आया है सर, एम का नंबर ऑफ आइटम। हाँ एम को एक्स लिया है और एन को वाई लिया है, ठीक है। अब पहले वाले मशीन पे लगाओ कंस्टेंट, पहले वाले मशीन पे क्या कंस्टेंट है? एम बनाने के लिए, आइटम एम का एक यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लग रहा है? एक घंटा ना। हाँ और एन बनाने के लिए दो घंटा ना। तो अगर एक्स यूनिट माने हो और वाई यूनिट माने हो, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा मशीन वन पे? एक्स प्लस टू वाई, और मशीन वन कितना काम करने, मशीन वन कितना काम कर सकती है? लेस देन इक्वल टू 12। चमका? हाँ सर। अरे सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर करना है क्या इसके आगे बताओ, करो सॉल्व, सर सॉल्व करो। हो गया सर। हाँ सर हो गया। सर मैक्सिमम बताना है ना? हाँ उत्तर बताओ सर। 4000। 4000। ये कंस्टेंट आपका, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंस्टेंट था, इधर आपका पहला लाइन था स्टेप का। कॉर्नर पॉइंट्स बता दो मुझे ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। टेल मी द कॉर्नर पॉइंट्स सर। 4.4 ओके एंड 6.0 5.0 0.4 एंड 0.6 वैल्यूज क्या आई है? 4000, 6.0 पे 3600, फिर 5.0 पे 3000, फिर 1600 और 2400। ये क्लियर है, समझे क्या? हाँ सर। तो मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है ये, और इसको सीधा ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? बिकॉज ये जो जो बाउंडेड रीजन आया, जो फिजिबल रीजन आया, वो कैसा आया है? अरे जो मैक्सिमा एम लेते हैं उसको बाउंडेड है ना, अगर बाउंडेड नहीं होता तो क्या करना पड़ता? सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है? अगर बाउंडेड नहीं होता तो। हाँ सर फिर
इंटरसेक्शन मतलब लेते थे मैं प्रॉफिट फंक्शन को ग्रेटर देन एम से, फिर अगर इंटरसेक्शन नहीं आता तो मैक्सिमम रहता। हाँ सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है? बहुत स्लो उत्तर है। सेकेंड क्वेश्चन गो डाउन ए सर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला। क्वेश्चन रीड करो ना। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन वाला, चलो मैं पूरा शुरू से लेकर एंड तक बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लिए? आप लोग का रिप्लाई ऐसा लगता है ना कि मतलब एक टाइम डिले का फैक्टर है लग रहा है। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ लिए क्या? हेलो नहीं सर पढ़ रहा हूँ। पढ़ो हाँ सर एक बच्चा क्वेश्चन पढ़ लिया, बाकी लोग को आंसर भी देना जरूरी नहीं समझते हैं। हाँ सर पढ़ लिया। ठीक है चलो क्वेश्चन समझाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन बोलो। ए एक गोडाउन है और बी दूसरा गोडाउन है, दोनों कहां सामान को भेज रहे हैं? डी ई एंड एफ। डी पे भेज रहे हैं, ई पे भेज रहे हैं और ए से डी पे आया, ए से ई पे आया, ए से एफ पे आया, बी से डी पे गया, बी से ई पे गया और बी से बी से हेलो बी से एफ पे गया है ना। अभी क्या होगा बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 60 क्विंटल। 60। ई की रिक्वायरमेंट कितनी है? 50। 50। एफ की कितनी है? 40। 40। अभी ए से डी में कितना पैसा है? 6। ए से ई में कितना पैसा खर्चा हो रहा है? 3। और ए से एफ में कितना खर्चा हो रहा है? 2.5। बी से एफ में कितना हो रहा है? 3। बी से ई में कितना हो रहा है? 2। बी से डी में कितना हो रहा है?
फोर डाटा पूरा डाटा क्वेश्चन लिख दिया ठीक है। अब स्टार्ट कैसे करें बताओ, कुछ तो कहीं से स्टार्ट करोगे ना। मान लेते हैं ए से डी में, मान लेते हैं एक्स सप्लाई किया ए ने, ए ने डी को कितना भेजा, क्या मान रहा हूं मैं, ए ने डी को कितना भेजा, एक्स एक्स क्विंटल ठीक है। ए ने ई को भेजा वाई ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, हंड्रेड माइनस एक्स माइनस वाई, हंड्रेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये हंड्रेड कैसे आया, हंड्रेड क्विंटल्स है कैपेसिटी, और बी का कितना है कैपेसिटी, फिफ्टी फिफ्टी, तो यहां पर कितना आएगा, हंड्रेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये बात चमकती है। अभी डी पे कितना आना चाहिए, सिक्सटी माइनस एक्स, यहां पर एक्स आ चुका है तो बी पे कितना आना चाहिए, सिक्सटी माइनस एक्स, यहां से तो वाई आ चुका है तो यहां से कितना आना चाहिए, फिफ्टी माइनस वाई, यहां पर कितना आया, सिक्सटी माइनस एक्स, यहां पर कितना आना चाहिए, फिफ्टी माइनस वाई, बोलो हाँ ना ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, फिफ्टी थी ना, तो यहां पर कितना आएगा, 50 माइनस 60 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस वाई, ये बात चमकती है, क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई माइनस 60, ये बात क्लियर है। जरा इन दोनों को ऐड करके देखो 40 हो रहा है क्या, यस सर, यस सर, यहां पे 40 है ना, तो अपने सारे कंस्ट्रेंट्स मैच हो गए। हेलो गाइस, अब मुझे तो कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, बोलो भाई, हंड्रेड माइनस एक्स माइनस वाई पॉजिटिव, क्लियर है, सिक्सटी माइनस एक्स पॉजिटिव, फिफ्टी माइनस वाई पॉजिटिव एंड एक्स प्लस वाई माइनस सिक्सटी पॉजिटिव, ये बात चमकती है। कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट का फंक्शन क्या है, कॉस्ट का फंक्शन क्या होगा, बोलो, x इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू वाई प्लस टू पॉइंट फाइव इंटू हंड्रेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस फोर इंटू सिक्सटी माइनस एक्स प्लस टू इंटू, चमक रहा मैं कैसे लिख रहा हूं, ये अरे चमक रहा मैं कैसे लिख रहा हूं, हाँ सर सबको क्लियर ना कैसे लिखा है मैंने, हाँ सर ठीक है। तो बताओ कितना आ रहा है फाइनली, सिंपली कॉपी करो, सिंपलीफाई करके कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड तक कितना आ रहा है आंसर,
आपके क्लास में आधे घंटा बोलेंगे तो आप लोग चुप ही रहोगे ऐसा है। चलो भाई क्या है कॉस्ट फंक्शन? पता नहीं चलता बात जाती नहीं आती है। कॉस्ट फंक्शन कितना आया? 5x plus 3y plus 820 upon 2. 5x आंसर निकालो एंड तक। किसी और को लगता है भी नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं कि तब क्लास खत्म हुई घर जाए। क्या कोई कंफर्म कर सकता है कॉस्ट फंक्शन कितना आया? सर 1160 आंसर। आशीष 1160 नहीं सर, आपको फाइनल इक्वेशन चाहिए क्या? क्या आया? हाँ सर 560। हाँ 560, हाँ 560 करेक्ट आंसर है। हाँ कॉस्ट फंक्शन कितना है, लास्ट कॉस्ट फंक्शन कितना है बताओ? कॉस्ट फंक्शन कितना आ रहा है? 5x plus 3y plus 820 5x plus 3y plus 820 upon 2 plus 820 upon 2 अच्छा इसका वाला 2 रहेगा। हां सर होल अपॉन 2 ठीक है। बाकी कंस्ट्रेंट के साथ सॉल्व करिए। हो गया सर। थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? सर मिनिमम 510 है। नहीं नहीं सेकंड क्वेश्चन हुआ ना। हाँ एक और क्वेश्चन था ना इसके बाद, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। नहीं सर एक और क्वेश्चन है। नहीं सर एक और क्वेश्चन है। कौन सा है? सर एलोकेशन प्रॉब्लम एग्जांपल 7। अच्छा वो इसका आंसर कितना आया? 560। सर 510 आया था मिनिमम। हाँ सॉरी। हाँ आंसर इज एक मिनट मैं कंफ्यूज हो गया, तुमने आंसर क्या बोला था? 565 आंसर 510 आ रहा है भाई। हाँ सर 510 ही बोला था। ठीक है एलोकेशन प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, थर्ड क्वेश्चन में फार्मर के पास कितना लैंड है? 50 हेक्टेयर लैंड है। उसको दो क्रॉप को ग्रो करना है एक्स और वाई, ठीक है। इससे प्रॉफिट कितना है उसको, और इससे प्रॉफिट कितना है उसको, ठीक है। और अभी उसको लिक्विड हर्बिसाइड यूज करना है। एक्स वाले क्रॉप में वो कैसे यूज करेगा? 20 लीटर पर हेक्टेयर। और वाई वाले क्रॉप में कैसे यूज करेगा? 10 लीटर पर हेक्टेयर, है ना। और टोटल हर्बिसाइड जो है कितना यूज होना चाहिए? 800 से 800 कितना यूज होना चाहिए पूरा सर? 800 से ज्यादा नहीं यूज होना चाहिए ना। हाँ सर मिनिमम मैक्सिमम 800। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे स्टार्ट करें बताओ, पहला स्टेप क्या लिखोगे? क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा बताओ?
हेलो हेलो, क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा सर? 20x + 10y इज इक्वल टू, पहला स्टेप क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा? यहां पे पहला स्टेप क्या था? x मानना और y मानना ना। हाँ सर, पता है मैं तुम्हें बोलता क्यों नहीं है? तुम लोग बाकी वीडियो सुनो, बाकी लेक्चर, बच्चे बोलते रहते हैं यार, चुप बैठे हुए तुम लोग यार। यहां पे पहला स्टेप क्या आएगा बताइए, कि x में कितना गया, x हेक्टेयर, और y क्रॉप में कितना गया? y हेक्टेयर। हाँ, अब प्रॉफिट फंक्शन क्या है बताओ? 10,500x + 9,000y, ये क्या है आपका? प्रॉफिट फंक्शन। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है बताओ? 20x + 10y is greater, is less than equal to 800. Okay, और x plus y. X plus y 50 से कम यूज हो सकता है ना यार, 50 से कम या बराबर। हाँ सर। और कंस्टेंट क्या आएगा? x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। ये क्लियर है क्या? देखो आपके बैच में बड़ी समस्या है, आपके बैच में कोई पढ़ता ही नहीं है मुझे लग रहा है, पता नहीं कोई बोलता ही नहीं, सब चुप बैठे रहते हैं, कोई सॉल्व करता है ना कुछ करता है, बस पहले दिन का जोश था लगता है उस दिन सब लोग का। सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। सर 0,50। हाँ, और वैल्यूज बताओ। 0 30,20 की 4,95,000 और यहाँ पे 4,50,000
और ये क्लियर है क्या दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू इतना क्लियर है क्या हाँ सर हाँ सर यस सर डाउटफुल लग रहा है मुझे तो ठीक है ऐसा है सुनो होमवर्क समझो तुम लोग ठीक है 12.2 और मिसलेनियस 12.2 और मिसलेनियस होमवर्क है एनसीईआरटी का क्लास परसों शाम को है हाँ सर 12.1 के 7th वन में डाउट था थोड़ा बहुत जल्दी पूछा तुमने ठीक है 12.2 के 7th वाले में डाउट था बोलो क्या डाउट था बाउंडेड एरिया नहीं आ रहा था क्या फिर गायब हो गई हेलो हाँ सर हाँ बोलो क्या दिक्कत है इसमें सर मैं एक बार वापस सॉल्व करती हूँ फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताती बाउंडेड बाउंडेड रीजन नहीं आ रहा था क्या रहा था नहीं आ रहा था सेवेंथ वाले में बाउंडेड आता है कि नहीं आता है अरे बाकी लोग बोलते नहीं है क्या यार मतलब सर 12.1 का ना हाँ सर बाउंडेड आया था थोड़ा चेक करना एक बार ठीक है अभी सुनो तुम लोग ऐसे तुम लोग नहीं मानोगे थोड़ा स्ट्रिक्ट कर सुनो होमवर्क जो है 12.2 है और 12.2 मिसलेनियस है ठीक है आपको करके फोटो खींच के पीडीएफ बना के मैं जगह बताऊंगा वहां पे मेल करना होगा ठीक है सबको होमवर्क क्लियर है यस सर हां सर क्लास संडे शाम को है ओके सर सर 7:30 पे मत रखना क्लास 6:30 तक है क्यों सर उसके बाद थोड़ा जाने का है मैं पागल है क्या वायरस में कहां जा रहा है भाई सर जरूरी है ठीक है मैं टाइम टेबल देख के रखता हूँ होमवर्क ये है आप हाँ बोलो नेक्स्ट चैप्टर को पहले ये खत्म तो हो जाए नेक्स्ट चैप्टर क्लास में देखेंगे ठीक है मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा वो वीडियो आपको सुन के आना है एक मैं वीडियो भेजूंगा अभी वो वीडियो आपको सुन के आना है ठीक है वो पढ़ाऊंगा ठीक है सर यस सर ये सॉल्व करके भेजना है ना हाँ सर किधर भेजने का है मैं बताऊंगा मेल आईडी दे दूंगा ओके सर